मैं उसका भुगत भोगी हूँ। मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सूबेदार मेजर था, एज ए ट्रेनिंग उसका इंचार्ज मैं था। जो हम 9 महीने में और जब हम तक वापिस पेंशन आवा तब तक हम वो चीज सीख नहीं पाते। आज वो बच्चे आप लोगों ने 6 महीने में बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, क्या वो सही है? हाँ या ना, मैंने आप बता दो। खामिया क्यों नहीं गिनाते? एक मिनट मेरी बात सुनो, आपका एक आदमी का दर्द है ना, सुनो। एक आदमी का दर्द नहीं है, ये हर एक किसान का दर्द है जिसका बच्चा फौज के लिए जाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त वीडियो। सूबेदार मेजर ने उठाए सवाल कि मैं रिटायर्ड होने तक सीखता रहा हूं और आपने अग्निवीर लाकर के सेना में बेड़ा गर्क कर दिया और भरी रैली में बड़ा तमाशा किया। बोला मैं सूबेदार मेजर हूं और वो भी ट्रेनिंग सेंटर में हूं। आपने ऐसी स्कीम लाई है कि 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद हमें बॉर्डर पर खड़ा करना होता है, कैसे संभव है? आप क्यों इस तरह बाट लगा रहे हो? वो भी एक नेता को, नेता का नाम है रणजीत सिंह चौटाला, हरियाणा के अंदर है, आप देख सकते हो। सूबेदार मेजर ने सवाल किए, उन्होंने कहा है कि मैं रिटायर्ड होने तक सीख रहा हूँ, सारे लोग सीख नहीं पाते और मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था इनको मैं सिखाऊं क्या, इनसे मैं कुछ बोल नहीं सकता, काफी तूतू में मैं। उनने कहा लो भाई माइक लो, तुम आप ही बोल लो, आप ही समझा दो, फिर नेता को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। बोला भाई मैं स्टेट में हूँ, केंद्र में जिसने किया है उससे सवाल पूछो। यानी आपकी बात जो सुन रहा हूँ मैं सुन के कह रहा हूँ, ये बात सेंट्रल इश्यू, मैं तो स्टेट में था, ये प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले नहीं। आप लोगों की एक मिनट क्यों नहीं गिनाते? एक मिनट मेरी बात सुनो, आपका एक आदमी का दर्द है ना, सुनो। एक आदमी का दर्द नहीं है, ये हर एक किसान का दर्द है जिसका बच्चा फौज के लिए जाने के लिए तैयार था, 4 साल में आपने रिटायर कर दिया। आपने बोलो, मेरी एक बात सुन लो, अगर ये लोग आपके सुनना चाह रहे हैं तो आप माइक ले लो, अगर सुनो। और वहाँ पर जितने एक्सर्विस मैन थे उन्होंने पूरा दबाव डाला तो सारे हक्के बक्के रह गए और एसएम ने भाई अपनी बात जोरदारी की रखी। बोला आप लोगों को क्या पता, आप न तो सेना के हो, न सेना के अंदर के हो, न बाहर के हो, न आप अफसर हो, न जेसी हो, न जवान हो, न यूनिट का पता, न लड़ाई का पता, फिर आप लोगों ने ऐसी चीजें डाल दी जो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही। और ये प्रॉब्लम के साथ साथ आप ये वीडियो देखिए और वीडियो होने के बाद, यानी जो कल का जो खबर है वो बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि कल उस गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अग्निवीर थे और उसमें ये खबर आ रही कि शायद उसमें से 2 से 3 जो ये में जो अग्निवीर थे उनकी मौत हुई है। और ये खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की है और उसमें लिखा है चंपावत न्यूज सेना के हवलदार केडी जोशी की सड़क हादसे में, यानी केडी जोशी जो हवलदार था इसकी भी खबर है। और मैं इसको इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि सड़क हादसे में विकासखंड लोहाघाट के डुंगरी निवासी सेना के हवलदार का निधन हो गया, मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर लोहाघाट पहुंचेगा यानी आज, और अंतिम यात्रा पंचेश्वर घाट से ली जाएगी, सैनिक सम्मान के साथ अंत होगा। मूल रूप से रहने वाले, अब कहानी पे मैं आता हूँ, सोमवार सुबह सेना के वाहन और एक बस के बीच हुई भिड़ंत में निधन हो गया। शहीद जोशी के भाई डुंगरी के पूर्व प्रधान महेश जोशी ने बताया कि उनके भाई हाईवे पर अग्निवीर जवानों को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे, तभी सामने से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में सामने से आ रही बस से सेना का वाहन टकरा गया। इस हादसे में उनके भाई के अलावा 4 अग्निवीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि घटना गोपाल गुना हाईवे नंबर 46 पीलू खेड़ी के पास की है। उन्होंने बताया कि शहीद जोशी झांसी में ईमी बटालियन में तैनात थे, मंगलवार को उनका पार्थिव शरीर लोहाघाट सैरीगिर स्थित आवास पर ले जाएगा। उनका सैन्य 2005 में हुए, 2 बच्चे हैं उनके, यानी ये उन्होंने अपने हवलदार की खबर डाली, उसके साथ उन्होंने अग्निवीरों का नाम लिया। और यहाँ पर जो आंकड़े बताए दोस्तों और उसको सुनकर 4 अग्निवीर की बात कही, बड़ा दुख होता है, इन बच्चों का क्या कसूर है, ये किस प्रकार की एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। और इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर किस सूबेदार मेजर ने रिटायर्ड होने के बाद नेता की बाट लगाई कि तू क्या जाने भाई, नेता को भी माइक देना पड़ा। उन्होंने बोला ये कोई भूतपूर्व सैनिक है, ईमानदारी से अपने दिल से कहे कि यार ये सही है, क्या इसी तरीके से चलता रहेगा, क्यों इसमें सुधार नहीं कर सकते, नेता क्यों चुप है, नेता को क्या हक है सेना के अंदर इतने बदलाव की, क्या सेना के अधिकारी से पूछ नहीं सकते? लेकिन ये प्रेशर और दबाव और इस तरह के एक्सपेरिमेंट कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। धन्यवाद। अग्निवीर योजना लागू की है, मैं उसका भुगत भोगी हूँ। मैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सूबेदार मेजर था,
एज ए ट्रेनिंग उसका इंचार्ज मैं था, जो हम 9 महीने में और जब हम तक वापिस पेंशन आवा तब तक हम वह चीज सीख नहीं पाते। आज वो बच्चे आप लोगों ने 6 महीने में बॉर्डर पर खड़ा कर दिया, क्या वो सही है? हाँ या ना, मैंने आप बता दो। अगर कल को चाइनीज जनरेटर हो गए पाकिस्तान चाइना दोनों से हो जाओ यार, कभी नहीं हो सकता दुनिया में हो रहे हैं। अगर हो जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, छोटो तुम किसान आंदोलन भी फैला के देश की सीमा दे उनको राहुल गांधी जी को बताने करके बता दें। मैं आपका सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात जो सुन रहा हूँ मैं वो सुन के ही कह रहा हूँ। ये बात सेंट्रल जो है, मैं तो स्टेट में था, ये प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले नहीं। आप लोगों की एक मिनट क्यों नहीं गिनाते? एक मिनट मेरी बात सुनो, आपका एक आदमी का दर्द है ना, सुनो, एक आदमी का दर्द नहीं है, ये हर एक किसान का दर्द है जिसका बच्चा फौज के लिए जाने के लिए तैयार था, 4 साल में आपने रिटायर कर दिया। अब आपने बोला, मेरी एक बात सुन लो, अगर ये लोग आपकी सुनना चाह रहे हैं तो आप माइक दे दो, ठीक है? अगर सुनो कोई असमत है खड़े कर दो, अगर एक मिनट अगर आप